नेपाल का इतिहास अपने आप में ही बहुत ही रोचक है, जिसमें कई राजाओं ने अपने अपने समय में राज किया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी यूरोपीय देश का गुलाम नहीं बनने दिया। जबकि दुनिया के बड़े बड़े देश किसी न किसी समय विदेशियों की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। इस परिस्थिति में भी अपने देश के अस्तित्व को बचाने में यहाँ के शाह वंश के राजाओं और गोरखा आर्मी का बड़ा योगदान रहा है। वैसे तो नेपाल में कई राजाओं ने राज किया है, लेकिन तब नेपाल आज के तरह नेपाल नहीं हुआ करता था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसीलिए उन्हें यूनाइटेड नेपाल का राजा नहीं कहा जा सकता है। नेपाल में आधुनिक नेपाल के पहले राजा राजा पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है, जिन्होंने नेपाल के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर आज का आधुनिक नेपाल बनाया था। इसीलिए उन्हें आधुनिक नेपाल का पहला राजा माना जाता है। उनके बाद नेपाल में 12 शाह वंश के राजाओं ने राज किया, जिसमें सबसे खास बात यह है कि नेपाल के सभी राजाओं का आयु एक आम आदमी के आयु से कहीं कम रही। किसी की अल्प आयु में मृत्यु हो गई तो किसी ने सत्ता छोड़ दिया, तो किसी का हत्या कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल समन्नी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे आधुनिक नेपाल के 12 शाह वंश के राजाओं के इतिहास के बारे में। नंबर 1, पृथ्वी नारायण शाह। ये गोरखा राज्य के अंतिम राजा और आधुनिक नेपाल के पहले राजा थे, जिन्होंने नेपाल के छोटे छोटे राज्य को जीत कर एक शक्तिशाली नेपाल का निर्माण किया था। नेपाल के पूरे इतिहास में नेपाल का सबसे बड़ा महान और सबसे ताकतवर राजा के नाम पे पृथ्वी नारायण शाह को ही चिन्हा जाता है, जिन्हें 20 वर्ष के आयु में ही राजा बना दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अपने 32 वर्ष के राज्य में नेपाल एकीकरण अभियान की शुरुआत किया और नेपाल के छोटे छोटे टुकड़े को जीत कर नेपाल को आज के अवस्था में पहुँचाया। और 1831 माघ 1 गते उनकी मृत्यु हो गई थी, पर मृत्यु किस वजह से हुआ था ये आज तक पता नहीं चल सका है, क्योंकि इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वजह बताया है। पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनके बड़े बेटे प्रताप नारायण शाह को नेपाल का दूसरा राजा चुना गया। उनका जन्म 1808 में हुआ था। उन्होंने अपने पिता द्वारा चलाए गए नेपाल एकीकरण अभियान को निरंतर रखा और अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे, लेकिन इसी बीच इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। इन्हें लगा कि इनके भाई और इनके चाचा इनके गद्दी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसी शंका के कारण बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों को जेल में नजरबंद कर दिया। उसके कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो गई, मात्र 26 वर्ष के आयु में। इनका शासन मात्र 2 साल 3 महीने और 9 दिन तक चला था। इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र राणा बहादुर शाह को नेपाल का तीसरा राजा बनाया गया, जब इनकी आयु मात्र 2 वर्ष 6 महीने ही थी। इसीलिए इनके राजकाज का सारा काम इनके चाचा बहादुर शाह कर रहे थे और इन्होंने भी नेपाल एकीकरण अभियान को जारी रखा। इन्होंने नेपाल पर 21 वर्ष तक राज किया। उसके बाद इन्होंने राज सत्ता का त्याग कर दिया और वन में चले गए। उसके बाद इनके बेटे गिरिणवाल युद्ध विक्रम शाह को नेपाल का चौथा राजा बनाया गया। तब इनकी आयु 1 वर्ष 4-5 महीने की ही थी। तभी ब्रिटिश ने नेपाल पर कब्जा करने का विचार बनाया था, लेकिन उस समय नेपाल के रक्षा करने के लिए नेपाल के सबसे बहादुर शेर का जन्म हो चुका था, जिनका नाम था भीमसेन थापा। ये उस समय नेपाल के मंत्री थे। इन्होंने ही ब्रिटिश से नेपाल को बचाया था और सुगौली की संधि भी इन्हीं के शासन में हुआ था, लेकिन इनकी भी मृत्यु केवल 20 वर्ष के आयु में विफर के कारण हो गया था। तब इनके बेटे राजेंद्र विक्रम शाह को नेपाल का 5वां शाह वंशीय राजा बनाया गया। तब इनकी आयु मात्र 3 वर्ष की थी। इन्हीं के शासन में भीमसेन थापा के खिलाफ षड्यंत्र रच के उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया था। उस समय में नेपाल में कोत पर्व, भंडार खाल पर्व और आलोव पर्व जैसी भारी घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें लाखों निर्दोष नेपालियों ने अपनी जान गंवाई थी। उसी वक्त जंग बहादुर राणा का आगमन हुआ, पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद नेपाल के 6वें राजा के रूप में सुरेंद्र विक्रम शाह को चुना गया, लेकिन उस समय नेपाल में राणा का आगमन हो चुका था, तो राजा बस नाम के रहते थे, क्योंकि सारा ताकत तो राणा के पास रहता था। इन्होंने राणा लोगों से अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन नाकाम रहे। और कुछ समय बाद इसी टेंशन में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सुरेंद्र विक्रम शाह के नाती पृथ्वी वीर विक्रम शाह को नेपाल का 7वां राजा बनाया गया। तब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष का था। इनके पाला में 4 राणा एक के बाद एक मंत्री रहे और एक बार तो इन्हें जहर खिला के मारने का षड्यंत्र भी रचा गया, लेकिन वो नाकाम रहा।
पर 36 वर्ष के आयु में इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके बेटे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नेपाल का 8वां राजा बनाया गया। तब उनकी आयु मात्र 5 वर्ष का था। उस समय नेपाल में राणा शासन बहुत बढ़ चुका था और राजाओं को सिर्फ मुंह दिखाई के लिए रखते थे। लेकिन राजा त्रिभुवन राणा शासन को खत्म करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राणा के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों का साथ दिया और राणा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके वजह से उनके भी जान को खतरा हो गया। तब उन्होंने दरबार छोड़ के भारत के दूतावास में शरण लिया और इधर राणा ने ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का काम चलाऊ राजा बना दिया। लेकिन करीब 4 महीने बाद जब त्रिभुवन भारत से लौट के नेपाल में आए तो ज्ञानेंद्र को हटा के फिर से त्रिभुवन को राजा बना दिया गया। राजा त्रिभुवन के समय में ही राणा शासन का अंत हुआ था। राणा शासन हटने के बाद कुछ समय तक त्रिभुवन ने राज किया और 48 के बरस के आयु में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र महेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का 9वां सहवंशीय राजा बनाया गया और उन्होंने नेपाल में करीब 17 बरस तक राज किया और उसके बाद उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का 10वां राजा चुना गया। तब उनकी आयु 26 वर्ष की थी। उन्हें नेपाल के राजशाही का एक बहुत ही दयालु और देश प्रेमी राजा के रूप में चिन्हा गया, जिन्होंने अपने शासन में नेपाल के जनता को अपने बच्चों के तरह प्यार किया था। पर विक्रम संवत 2058 जेठ 9 गते दरबार हत्याकांड में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद घायल अवस्था में कोमा में पहुंचे उनके बेटे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल का 11वां राजा बनाया गया। लेकिन दीपेंद्र को पता भी नहीं चला कि वो नेपाल के राजा बन चुके हैं, क्योंकि उनका शासन मात्र 2 दिन का था। तीसरे दिन कोमा में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शाह वंश का अंतिम तथा नेपाल के 12वां शाह वंशीय राजा बने ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। और इन्हीं के समय में माओवादी ने जन आंदोलन करके राजशाही का अंत कर दिया। विक्रम संवत 2056 जेठ 15 गते राजा ज्ञानेंद्र शाह ने सत्ता जनता के हाथ में देकर खुद एक आम आदमी की तरह अभी भी जी रहे हैं।